आप सभी लोगों का अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में स्वागत है। आज सभी लोगों के लिए CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लास लेकर आए हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। पहला प्रश्न है, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। विशेष क्षेत्र में कैसा? विशेष क्षेत्र में दूसरों के भावनाओं और अनुक्रम का अध्ययन करने को कहते हैं संवेगात्मक विकास, जिसमें शरीर का विकास होता है उसे शारीरिक विकास कहते हैं। जो बोलने की क्षमता का विकास होता है उसे भाषा विकास कहते हैं। नैतिक व्यक्ति में नैतिकता का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का विकास है वो कोहलबर्ग ने दिया था। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं? विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं? एकीकरण सिद्धांत। कौन सा? एकीकरण सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? तो स्कूल का माहौल। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें प्रतिवर्ती चिंतन पलटवा हो। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 18 वर्ष होती है। नूरी इस तर्क, हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, कि आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? नूरी इस तर्क, हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, कि आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? अभी सामिक। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को
ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइगोत्स्की के अनुसार है सामाजिक अंतःक्रिया। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं के द्वारा समालित होती हैं, तो मनोवैज्ञानिक उपकरण के कारण साइकोलॉजिकल टूल्स। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें अंतर व्यक्तिगत बुद्धि होती है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाता है। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? तो यह जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं की शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले मुक्तोत्तर जिनमें अपसारी चिंतन का शामिल हो उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? रचनात्मक आकलन नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? तो समता का पालन करना चाहिए, इक्विटी। गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित हैं? शारीरिक अंगों के समन्वय से। अभिकथन इसका दिया गया है, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रति नृत्य के विविध
प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका तर्क है कि समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो ये सही है, इसका अभिकथन सही है, लेकिन तर्क गलत है। यद्यपि नॉटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि नॉटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? नॉटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? तो विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम है सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमिलित करना। एक शिक्षक को विद्यार्थियों का अपना चिंतन प्रक्रिया के बारे में और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। तो दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? तो अपसारी सोच का उदाहरण है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना। एक यानी कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? तो विद्यार्थियों के साथ चर्चाएं किए बिना सही उत्तर बताना ये नहीं है। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में योग्यता का वार्धिक मत और महारत अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? स्मरणकारी विधियां और समझ बनाना यानी बोध। तो दूसरा और तीसरा, इसका बी इसका सही आंसर है। तो आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सीटेट एग्जाम की निःशुल्क प्रिपरेशन कराई जा रही है और अगली क्लास में आप फिर मिलते हैं आप सभी लोगों को। तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार, शुक्रिया।